अगर मान लो बेलपत्र भी नहीं है, मान लो बेलपत्र भी नहीं है, कोई पुष्प भी नहीं है, चढ़ाने के लिए एक लोटा जल भी नहीं है, पूजन का कोई सामान तुम्हारे पास में नहीं है, तब एक काम करना, बाबा के मंदिर में जाकर थोड़ी सफाई करना, थोड़ा साफ कर देना मंदिर। बहुत सारे दिए लगे हों तो दिए को उठाकर एक साइड रख देना, मोहल्ले की 50 माताएं अगर पशुपतिनाथ का व्रत कर रही हैं तो मोहल्ले की एक दो माता ऐसी हो जो पशुपति व्रत करने के लिए अगर माताएं मंदिर के अंदर आती हैं तो तुम 2-3 बर्तन मंदिर के अंदर रखो, कोई प्रसाद रखकर गया है उसको उठाकर बर्तन में खाली करो और शाम के समय आरती के बाद सारा प्रसाद बच्चों को बड़ों को जिसको बांट सकते, जिसका व्रत ना हो पशुपतिनाथ, कोई अगर पशुपतिनाथ का व्रत कर गई है, प्रसाद मंदिर में रखकर चली गई है, दिए मंदिर में रखकर चली गई है, फिर निवेदन करूंगा। एक पत्र किसी बेटी ने लिखा है कि मैं बड़ी दुखी हूं, मुझे बहुत कष्ट है और मैं अपनी कष्ट की जिंदगी जी रही हूं, मैं उस बेटी से निवेदन करूंगा, बेटा किसी के सामने जाकर हाथ मत फैलाना, तो पशुपतिनाथ के व्रत अगर कोई माताएं कर जा रही हैं, कोई लोग कर जा रहे हैं, वहां दिए छोड़कर चले गए, प्रसाद छोड़कर चले गए, तो उन्हीं को संभाल कर एक साइड रख, उस प्रसाद को उठाकर मंदिर में अगर पुजारी हो तो बात दूसरी है, नहीं तो तुम सेवा कर रहे हो, उठाकर किसी भूखे को खिलाना चालू कर दे, तुझे जो पुण्य मिलेगा तो दूसरी बार कथा में मिलेगी तो ये कहेगी कि मेरे को बाबा ने भंडार भर कर दे दिया। नहीं है तुम्हारे पास में बेलपत्र, नहीं है तुम्हारे पास में जल, नहीं है तुम्हारे पास में चावल, नहीं है तुम्हारे पास में एक लोटा पानी, मत चढ़ाओ, आप बाबा के मंदिर की चाकरी करो। मेरे भोले।